निकाय चुनाव में पार्टी प्रचार के लिए देवरिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता से की वोटों की अपील, जीत मिलने पर सभी नगरीय क्षेत्रों में एलईडी लगवाने का किया वादा। फिल्म पद्मावती का पूरे देश में विरोध जारी, राजस्थान में करणी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन, इलाहाबाद में रोकी गई सारनाथ एक्सप्रेस। रिटायर्ड सैनिकों ने सरकार के खिलाफ निकाली विरोध रैली, रैली में सरकार विरोधी लगाए नारे, पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर संस्थान के बैनर तले निकाली गई रैली। सहकारी समिति के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन में हुआ पथराव, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को किया गिरफ्तार। झांसी में अनुसंधान एवं नियोजन मंडल में अधिकारी के शोषण से परेशान कर्मचारी ने किया आत्मदाह का प्रयास, अधीक्षण अभियंता पर लगाया शोषण का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन लाइव पर और आपके साथ हाजिर हूं मैं कायनत अंसारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में बड़ी गर्मजोशी देखने को मिल रही है। बता दें कि जीत के बाद प्रत्याशी विकास के बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। सत्येंद्र त्यागी जिला चरथवाल चेयरमैन पद पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के पास जाकर विकास का वायदा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विकास के लिए गरीब लोगों के लिए एम्बुलेंस की हर समय सुविधा का उन्होंने ऐलान किया है। पार्षद नामा में अलीगढ़ के संवाददाता खालिक अंसारी ने इगलास नगर पंचायत का दौरा किया तो उनकी मुलाकात बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही प्रत्याशी से हुई। बीजेपी प्रत्याशी ढोल नगाड़ों और भारी जनसैलाब के साथ जनसंपर्क में लगी हुई थी। इस दौरान खालिक ने स्थानीय निवासियों के साथ साथ प्रत्याशी के पति हरीश शर्मा से भी बातचीत की। उन्होंने पिछले दो कार्यकालों में 10 वर्ष में बहुत विकास किया है और ऐसे ही प्रत्याशी की आवश्यकता है, विकास को चमन बनाए, स्मार्ट नगर बनाए, उन्होंने बहुत विकास किया, उनसे लोगों को संभावना है। हालेनगर के तहत हमारे संवाददाता ने अलीगढ़ के वार्ड नंबर 67 का हाल जाना और साथ ही नगर पंचायत बेसवा की वार्ड नंबर 5 की प्रत्याशी पूनम देवी से भी बात की। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बारिश के समय के बाद यहाँ जलभराव की काफी समस्या बनी रहती है, क्या चाहेंगे इस बार जो प्रत्याशी आए उस समस्या को दूर करे? कभी नहीं, काम करेंगे। पहले प्रत्याशी ने विकास कार्य नहीं कुछ नहीं करा, यहाँ देखा यार नालियों में सीट वगैरह भरी रहती है, क्या गंदगी बहुत रहती है, क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? हमें चाहिए नौजवान प्रत्याशी चाहिए, वो बात बारह में काम करता है। आपका क्या कहना है प्रत्याशी के बारे में, किस तरीके का प्रत्याशी चाहिए आप लोगों को? सबके काम करावे, अच्छे काम करे, सबके साथ मिलकर। आप क्या मानते हैं प्रत्याशी? कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग? जो कंधे से कंधा मिला के चले हमारे साथ में और साफ सफाई कराए। आज तक जितने प्रत्याशी पिछले हुए उन्होंने कुछ नहीं कराया। जैसे जैसे चुनाव आते हैं नज़दीक तो सब जितने भी इलेक्शन में खड़े होते हैं वो सब करीब आ जाते हैं और आने के बाद आस पास में ही नजर आते हैं, घर घर चक्कर लगाते हैं, वादे करते हैं, करते कुछ नहीं है। देखिए पहली प्राथमिकता तो मेरी ये रहेगी कि मैं सबसे पहले तो यहाँ क्षेत्र में सफाई नहीं हो पाई। देखिए मेरे पास कुछ पावर थी तो मैंने दो कर्मचारी इसमें बढ़वाए, लेकिन वार्ड बहुत बड़ा है फिर भी सफाई नहीं, मैंने सफाई नहीं हो पाई। जो पुराने पार्षद थे अगर मैं उनसे सफाई नहीं कहता था, पुराने पार्षद उसने कहते थे नहीं हमारी वजह से हमने ये काम वाम नहीं करेंगे, तो उन्हीं की वजह से सफाई नहीं हो पाई। अगर नौजवान और अगर हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला प्रत्याशी हैं और पार्षद हो गए तो इंशाल्लाह ताला हर खंभे पे लाइट होगी और हर गली में की सफाई होगी। देखिए हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए, वार्ड में लाइट भी कम लग पाई है क्योंकि हमें
एक पिछड़ा वार्ड और मिल गया है जो पहले 54 वार्ड था, आज वो हमारे 67 वार्ड में हो गया है। और हम इन वार्डों में लाइट लगाने का काम करेंगे, सफाई कराने का काम करेंगे और कर्मचारी कम है कर्मचारियों को बढ़वाने का भी काम करेंगे। एप्लीकेशन देंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, उसको नगर निगम को भी देंगे ताकि यहाँ कर्मचारी बढ़ सके और लोगों की समस्याएं हल हो सके। जनता का ये कहना है बारिश के बाद यहाँ काफ़ी जलभराव की समस्या रहती है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? वो जलभराव क्यों रहता है? क्योंकि नालियों में गंदगी ज़्यादा होती है और नाली जो है ऊपर तक गंदगी भरी होती है जिससे कि पानी सड़कों पर चलता है। जब नालियाँ डेली साफ होंगी, रोज़ साफ होंगी तो पानी निकल के बड़े नाले में जाएगा और पोखर में जाएगा या जब उसमें जो है किसी नहर में जाएगा तो कोई पानी की समस्या नहीं रहेगी। जब नालियाँ साफ होंगी तो पानी सब नालियों में जाएगा। क्या देखा जा रहा है जर्जर तार है, उसके बारे में क्या कहना है? जी जर्जर तार ज़्यादा है यहाँ। जी हाँ, उसके लिए भी हम जो है बिजली विभाग के अधिकारियों से कहेंगे कि इन पे पैनल लगाएं, इन जर्जर तारों को हटा करके इनके पैनल लगा करके इनमें जो है एक पोल पर 10 से 12 या 15 कनेक्शन हो, क्योंकि 25-25 कनेक्शन है, पैनल नहीं है। पैनल ना होने की वजह से यह तार जर्जर है और हम पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन क्योंकि चुनाव का वक्त चल रहा है इस चक्कर में उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया। इंशाल्लाह ताला नगर निगम पहुंचने के बाद में बिजली के अधिकारियों से भी कहेंगे, नगर निगम डिपार्टमेंट से भी कहेंगे कि इस काम को पूरा कराया जाए। वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी पद की उम्मीदवार मतदाताओं से प्रार्थना करती हूँ कि मैं 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी और जो बाढ़ की समस्या है उन्हें पूर्ण कराऊंगी और जो बिजली की समस्या है उसे सब पहले प्रथम पूरी कराऊंगी। आपका मेयर कार्यक्रम के तहत भदोही के संवाददाता जयशंकर दुबे ने गोपीगंज नगर पालिका के निवासियों के साथ निवर्तमान चेयरमैन और निवर्तमान नगर पालिका के प्रत्याशी प्रहलाद दास गुप्ता से खास बातचीत की। इस दौरान लोगों ने प्रहलाद दास गुप्ता को बेहतर प्रत्याशी बताया। बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग चरणा से खुश है जी। और उम्मीद रखता हूँ कि फिर सब में वही जीते। इनके कार्यकाल में ऐसा कोई काम बाकी नहीं है नगर पालिका में जो अंदर हुआ हो जी। चेयरमैन साहब, वर्तमान में आप चेयरमैन के पद की दौड़ में हैं, आप लड़ भी रहे हैं चुनाव, तो यहाँ के व्यापारियों गोपीगंज के खास तौर व्यापारी जो नेशनल हाईवे बसे हुए हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है? गोपीगंज जीडी रोड पर बन रहे ओवरब्रिज के बारे में हमें ये कहना है कि ओवरब्रिज बन जाने की वजह से यहाँ जो है पूरा व्यापार जो है प्रभावित हो जाएगा। एक और जहां प्रधानमंत्री सफाई अभियान पर जोर देकर खुद सफाई अभियान में जुटे हैं, वहीं प्रदेश के नगर निगमों और नगर पंचायत में लगे कर्मचारी मोटी सैलरी लेकर मोज कर रहे हैं। हाल ही नगर कार्यक्रम के तहत नेशन लाइफ पहुंचा शाहजहांपुर के आदर्श नगर पंचायत खुटार, जहां सफाई अभियान और जल भराव की पोल खुल गई। मोहल्ला गांधीनगर में सफाई और गंदगी कैमरे के द्वारा खुद देखी जा सकती है। जब गंदगी को लेकर ईओ नगर पंचायत तुंगल सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हमारे कर्मचारियों के द्वारा सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि कर्मचारी काम नहीं करते, नालियां चौक पड़ी हुई हैं, वहीं गंदे पानी से लोग परेशान हैं। गंदगी का आलम यह है कि लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। और क्या सुविधाएं मिली? नहीं, योजना मिली है हम लोग का, आवास आया, आवास कट गया, नहीं मिला। यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था क्या है? साफ सफाई की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं क्या है, कुछ नहीं है। खेतों हम लोग का खेत भी छीना गया, 20 साल 50 साल का जोता हुआ वो भी नहीं। उसके संबंध में तो मेरी जब से यहाँ नियुक्ति हुई है तब से प्रयास मेरा यही है कि गंदगी ना हो और बराबर निरीक्षण भी कर रहा हूँ। कर्मचारियों से दोपहर बाद जो है टीम के रूप में कार्य भी मैं करवा रहा हूँ। कुछ जगह पे जो बोरिंग नल की समस्याबिल लगी हुई है वहाँ पे गंदगी है और कूड़ा इकट्ठा है, जहाँ पे सफाई नहीं हुई है। नहीं, उनको तो तत्काल उठो सफाई करवाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ, आपकी हर बात को पहुंचाया आपके हुक्मरानों तक। हमने वो दिखाया जिसका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। न स्याही के है दुश्मन, न सफेदी के यार, खबर वो जिससे आपका सर उठा। कामयाबी का सफर एक साथ बेमिसाल। हम हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। किस नेता ने कितना किया काम, किसने किया आराम, कौन उतरा अपने वायदों पर खरा, किसने किया जनता का काम, कौन है कितना पढ़ा लिखा, किसके पास कितनी है संपत्ति और कौन बना और धनवान, किसका है आपराधिक रिकॉर्ड, ये सब बताएंगे हम। जानने के लिए देखिए बस हमारा खास प्रोग्राम नेताजी का बायोडेटा, जल्द आ रहा है सिर्फ नेशन लाइव पर। फिर पिछले लगी है सियासी मिसाल, फिर सचने लगी है राजनीति की मुहरें, कागज यारों में नेताओं की हस्ता। देखिए हमारा खास प्रोग्राम सियासी बिसात सिर्फ नेशन लाइव पर, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं आगे। सूबे की योगी सरकार भले ही स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने की लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी सफाई की तस्वीर बदलने का नाम नहीं दे रही। गांव हो या शहर, हर जगह गंदगी के ढेर और गंदे पानी का भराव देखा जा सकता है। बागपत का डगरपुर गांव भी एक ऐसा ही गांव है जहां सरकार का स्वच्छता अभियान दम तोड़ता दिखाई दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बागपत के डगरपुर गांव की, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार की सबसे खास योजना यहां कितनी बदहाल है। गंदे पानी से भरे तालाब, कीचड़ से भरी गलियां, गांव में कहीं भी नालियों का नामो निशान तक नहीं दिख रहा, क्योंकि नालियां यहां है ही नहीं। घरों का गंदा पानी सीधे गलियों में बहता है और कीचड़ बन जाता है। गांव में सरकारी सफाई कर्मी भी तैनात हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए भी बहा रही है। बावजूद इसके, इस गांव के लोग नरक में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यहां के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस गांव का तालाब जो गंदे पानी से भरा हुआ है। हालात ये हैं कि तालाब का गंदा पानी अब गाँव की गलियों तक पहुँच गया है। घरों में जाने के लिए भी लोगों को गंदे कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। इतना ही नहीं, गंदगी से गांव में बीमारियों का दौर चल पड़ा है, मच्छरों की भरमार है। ज्यादातर बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यहाँ तो बस पूछो मत ना, लोगों की बीमारी की तो अनगिनत लोग बीमार हैं, बड़े बूढ़े हैं और बच्चे तो हमेशा ही बीमार रहते हैं। कितनी कमाई नहीं, जितनी डॉक्टरों का दे देते हैं, और ये बेफालतू की बीमारी है हमारे बच्चों को, जिससे कि मच्छरों से ही हो रही है बीमारी हमारे बच्चे के लिए। भैया बीमारी फैल रही है, आदमी बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, आना जाना सारा बंद हो रहा है, स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते, चारों तरफ पानी भर रहा है, बीमारी फैल रही है यहाँ। सारे रास्ते बंद हैं जी, घर में मकानों में पानी जा रहा है और गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, बीमारी को होने को आशंका हो रही है पूरी पूरी। कितने लोग बीमार हैं गांव में? गांव में तो बीमारी, जब माहौल ऐसा रहेगा तो गांव के तालाब के चौकड़ों के घर के लिए बीमारी हो रहे हैं। गांव वालों ने मिलकर अपने पैसों से इस तालाब के पानी की निकासी कराई थी, लेकिन पानी निकासी न होने से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। प्रशासन से इसकी शिकायत की गई तो यहां की फोटोग्राफी तो जरूर हुई, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। ग्राम प्रधान ने कार्य योजना बना दी है, लेकिन बजट के अभाव में काम नहीं करवा पा रहे हैं। गंदगी के कारण बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं, लेकिन गांव में ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है और ना ही कोई स्वास्थ्य
सेवाएं। जब हमने इस बारे में डीएम बागपत से बात की तो उन्होंने इस पर तुरंत काम करवाने का आदेश दे दिया है। अभी वीडियो खेकड़ा से बात करता हूँ जिनके क्षेत्र में पड़ता है, वो ग्राम प्रधान को निर्देशित करके और राजीव चौधरी से तत्काल इस पानी को खाली कराएं, लोगों को इस असुविधा से निराकरण करें। गांव वालों की शिकायत के बावजूद अभी तक प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी है। अब इस मामले में डीएम के आदेश कितना असर करते हैं ये देखने वाली बात होगी, और ये भी देखना होगा कि गांव वालों को इस नरक से कब तक निजात मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन लाइव। देवरिया में निकाय चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। सभी प्रत्याशी घर घर दस्तक देकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। देवरिया में नवसृजित नगर पंचायत बरियारपुर में सपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उमरावती देवी मैदान में उतर गई हैं। हम सब कुछ के विकास करेंगे, हम नगर पंचायत जीत जाएंगे, हम सब कुछ सेवा करेंगे, हम सब कुछ लेकर चलेंगे। हम समाजवादी पार्टी से जब से पार्टी बनी तभी से जुड़े हुए हैं। पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होते हुए भी मेरा टिकट काट दिया गया। जो पार्टी का टिकट पाया है वो पार्टी का भी नहीं है। अभी वो 6 महीना पहले कांग्रेस का झंडा लेकर के घूम रहा था, लेकिन उसको टिकट दे दिया गया है। कुछ लोगों ने चंद पैसों के लालच में टिकट को बेच दिया है। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरे हैं, क्या एजेंडा रहेगा आपका? हम इस समय जो नगर पंचायत बरियारपुर बना है वो ग्राम सभा है, थी इसके पहले, उसके मैं वर्तमान में भी प्रधान हूँ, और इसके पहले भी मैंने एक 2005 से 2010 तक नेतृत्व कर चुका हूँ। उसके पहले मेरी माता जी 2000 से 2005 तक प्रधान रही। मैं इस क्षेत्र का विकास बहुत बढ़िया से कराया हूँ। मुझे पता है कि इस यहाँ की जनता को क्या चाहिए। सड़क, नाली, खंजा, शौचालय और स्वास्थ्य संबंधी बिजली, सारी चीज़ों का व्यवस्था करना है, और जितना किया है उससे बढ़ चढ़ करके मैं काम करूँगा। इसी मुद्दे को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुझे पहली बार टिकट मिला था, लेकिन कुछ लोगों ने जाकर टिकट कटवाने का काम किया। उसके बाद मेरा टिकट दोबारा नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने फिर कर दिया था, लेकिन फिर कुछ अराजक तत्व जो यहाँ पर पहले पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ते रहे हैं उनका मैं विरोध किया हूँ, वही लोग जाकर मेरा टिकट कटवा दिए हैं। बाकी जनता मेरे पार्टी के सारे नेता मेरे साथ आज भी हैं, सबकी सहानुभूति मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं भी नेताजी के साथ आज भी हूँ, मैं चुनाव जीत करके फिर। देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में सीएम योगी ने निकाय चुनाव के तहत चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सीएम योगी ने कैराना पलायन मुद्दे का जिक्र करते हुए मौजूदा हालात पर गौर करने की बात कही। सीएम ने निकाय चुनाव में जीत हार को लेकर कहा कि अगर निकाय चुनाव में हार होती है तो इससे ना तो प्रदेश पर कोई असर पड़ेगा और ना ही केंद्र सरकार पर, लेकिन अगर एक विचारधारा के लोग जीत कर जाएंगे तो नगर का विकास होगा। सीएम ने जीत मिलने पर एलईडी लगाए जाने का भी वायदा किया। इसके अलावा सीएम ने पिछली सरकार पर हमलावर होते हुए मौजूदा सरकार के कामों का भी बखान किया। विजुअल मीडिया रंगा होता था एक बात को लेकर के कि केराना से व्यापारियों का पलायन, कांधारा से व्यापारियों का पलायन, तमाम कस्बों के, तमाम शहरों के नाम आते थे, लेकिन इन 8 महीनों में किसी व्यापारी ने पलायन नहीं किया, किसी नागरिक ने पलायन नहीं किया, प्रदेश से अपराधियों ने जरूर पलायन करना प्रारंभ किया है। हमारी सरकार ने तय किया है नगरीय क्षेत्रों में ये जो स्ट्रीट लाइट होती है, अभी आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट अलग अलग होती है, कोई पीली होती है, कोई नीली होती है, कोई सफेद होती है, कोई अलग अलग तरीके से चलती है। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर 653 नगर निकाय इकाइयों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते हैं। इससे बिजली की बचत होगी और साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकाय की इकाइयां हमारी ऐसे ही चमकती हुई दिखाई देंगी जैसे कि अयोध्या की दीपावली हो। भारतीय जनता पार्टी लगभग हर नगर निकाय में अपने पूरे बोर्ड को चुनाव जिताने की अपील के साथ आपके पास आई है। यह सच है कि इन चुनावों का प्रभाव
न प्रदेश सरकार पर पड़ना है, न केंद्र सरकार पर पड़ना है, लेकिन इन चुनाव का प्रभाव आपके विकास पर जरूर पड़ना है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने सीतापुर के हर गांव पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी गिरीश मिश्रा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में उन्होंने मोदी और योगी की सरकार के कामकाज को बताते हुए जनता से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं, अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो प्रयास करें। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंगित किया था कि अगर अदालत के बाहर फैसला हो जाए तो बेहतर है। तो यदि लोगों को इकट्ठे करके बात करने की कोशिश हो रही है तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, बाकी तो फिर देश की अदालत है ही है। बदायूं में पहले चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचार में महारथी उतार दिए हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जोरदार स्वागत किया। बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात की और स्थानीय निकाय चुनाव बीजेपी के विकास के मुद्दे पर लड़ने की बात कही। अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, जिस प्रकार से विधानसभा में हमने यहाँ प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की थी, उसी प्रकार से हम निकाय चुनाव में भी प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करेंगे। यूपी के झांसी में अनुसंधान एवं नियोजन मंडल कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। पीड़ित ने अधीक्षण अभियंता पर शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार अधीक्षण अभियंता उसे लगातार परेशान करता था, यही नहीं शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर उसके बोनस को भी रोक दिया गया। पीड़ित का नाम रतन रायकुवार बताया जा रहा है। हालांकि घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाकर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यूपी के मुरादनगर का मुड पांडे उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब सहकारी समिति में वोट बनवाने को लेकर दो किसान गुट आमने सामने आ गए, जहां भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट में वोट बनवाने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें जमकर पत्थर चले। अध्यक्ष नीटू चौहान की जीप को भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को हिरासत में ले लिया। क्योंकि यहाँ मुंडा पांडे समिति में जो विवाद की स्थिति आज आ रही थी, तो एआर साहब के पास फोन पहुंचा, वो इस समय लगता हूँ किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर इस निर्देश के साथ भेजा था कि जैसी जो भी स्थिति है उसको यथास्थिति वही रोक दिया जाए। वो मीटिंग से आने के बाद उसको खुद देखेंगे और देखने के बाद जो भी उचित होगा वो निर्णय लेंगे। अच्छा सर, कौन कौन सी पार्टी थी यहाँ पर? दो पार्टियों में जो विवाद हुआ है, क्या वजह थी? उन पार्टियों का ना तो मुझको जानकारी कि कौन से दो पक्ष हैं या क्या है और क्या विवाद है। विवाद तो आपस में बस यही है कि वो उनके मेंबर बना रहे हैं ज्यादा, वो कह रहे हैं कि उनके मेंबर ज्यादा बना रहे हैं, ऐसी आपस में उनका झगड़ा था। कौन कौन से पक्ष है मुझे इसकी जानकारी। शामली के कांदला थाना पुलिस ने एक हत्याकांड का महज 8 घंटे के अंदर खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल चढ़ाव गांव निवासी सतपाल की बीते बुधवार को हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये हत्या प्रेम प्रसंग और जमीनी विवाद के चलते की गई, वहीं आरोपी पत्नी ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। वो जब परेशान करता था, मारता था, गाली देता था, हाँ। और बहुत बुरी तरह रखते थे। अच्छा, तो ज़्यादा भी उम्र था। इस पर हम लोग जांच किए, पता चला कि उसकी बीवी ने अपने देवर जो वादी है विनोद बिल्लू, इसके साथ मिलकर रस्सी से रात को इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शामली पुलिस ने 8 घंटे में हत्या खुलासा कर एक मिसाल कायम कर दी है। कैमरामैन नासिर अली के साथ विनीत शर्मा, नेशनल लाइव शामली। कौशाम्बी जिला कारागार में अब बंदियों को अपनों से दूर होने का एहसास ज्यादा नहीं होगा, अब वो जेल से ही अपनों से आसानी से बात कर सकेंगे।
दरअसल जेल प्रशासन ने कैदियों और उनके परिवार के बीच की दूरियों को टेलीफोन से कम करने की पहल की है। जेल प्रशासन की पहल पर जिला कारागार में पीसीओ की व्यवस्था की गई है, जिससे बंदी निर्धारित समय तक अपने परिवार से बात कर सकेंगे। इसके लिए बंदी की ओर से जेल में बंद होने के बाद दिए गए 2 ऐसे मोबाइल नंबरों पर बात कराई जाएगी, जो जेल की डायरी में नंबर दर्ज होने के साथ आधार से लिंक होंगे। इससे बंदियों को पीसीओ जहां कारागार में लगा है, इससे बंदी जो है अपने परिवारजनों से एक नंबर पर अपने अधिवक्ता से बात कर सकते हैं, जो कि सप्ताह में एक बार 5 मिनट के लिए बात होगी और 5 मिनट बाद वो बात अपने आप जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इस पूरी बातचीत का ब्यौरा हमारे कंप्यूटर में जो है रिकॉर्डेड रहे, जिससे कि कोई उसका दुरुपयोग ना हो। हाँ, इसमें जो है अधिकतम जो है 5 रुपया 5 मिनट का लगेगा, जैसे कि 1 रुपया प्रति मिनट इसकी जो है वो फीस होगी, जिसको बंदी के परिवारजन जो है जेल पर जमा कर सकते हैं। और ये सारा सिस्टम जो है वो बंदियों के परिवारजनों का नंबर जो है वो सत्यापन होगा आधार कार्ड से उसका, ये आधार कार्ड से जो है जुड़ा हुआ रहेगा, जिससे कि यूपी के बाराबंकी में रामनगर तहसील क्षेत्र में प्राचीन लोथेश्वर महादेव मंदिर में मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने फीता काटकर शिवलिंग पर पूजा अर्चना के साथ किया। बता दें कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मनोज तिवारी, मालिनी अवस्थी, राजू श्रीवास्तव जैसे नामी कलाकार भी आते हैं। लेकिन इस वर्ष नगर निकाय को देखते हुए कार्यक्रम चुनाव के बाद आयोजित किए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। निकाय चुनाव में पार्टी प्रचार के लिए देवरिया पहुंचे सीएम योगी, जनता से की वोटों की अपील, जीत मिलने पर सभी नगरीय क्षेत्रों में एलईडी लगवाने का किया वादा। फिल्म पद्मावती का देश भर में विरोध जारी, राजस्थान में कर्णी सेना ने किया विरोध प्रदर्शन, इलाहाबाद में रोकी गई सारनाथ एक्सप्रेस। राजस्थान के झुंझुनू में रिटायर्ड सैनिकों ने सरकार के खिलाफ निकाली विरोध रैली, रैली में सरकार विरोधी लगाए नारे, पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर संस्थान के बैनर तले निकाली गई रैली। सहकारी समिति के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन में हुआ पथराव, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को किया गिरफ्तार। और झांसी में अनुसंधान एवं नियोजन मंडल में अधिकारी के शोषण से परेशान कर्मचारी ने किया आत्मदाह का प्रयास, अधीक्षण अभियंता पर लगाया शोषण का आरोप।